हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कोलबेज रिएक्शन को डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रहने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोलबेज रिएक्शन और कोलबेज स्मिथ रिएक्शन दोनों सेम रिएक्शन है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये दोनों डिफरेंट नेम रिएक्शन है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखते हैं हम कोलबेज रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो फिनोल होगा। जब हम फिनोल को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H+ आयन, सो जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड रहेगा। सैलिसाइलिक एसिड होगा या फिर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। काफी छोटी सी नेम रिएक्शन है बट काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जीपेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ। हम देखेंगे कि इस नेम रिएक्शन को इजीली कैसे आइडेंटिफाई और सॉल्व किया जा सके। काफी छोटी सी नेम रिएक्शन है और काफी आसान सी ट्रिक है इस नेम रिएक्शन की। यह हो गया फिनोल। फिनोल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे CO2 की प्रेजेंस में, सो हमारा प्रोडक्ट होगा सैलिसाइक्लिक एसिड। ट्रिक होगी कि बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पर ऐड है OH, देन OH के एडजेसेंट वाली साइड होगी 2 पोजीशन, देन 3rd, 4th, 5th, 6th। मीन्स कि OH के एडजेसेंट साइड, मीन्स या तो पोजीशन 2 या पोजीशन 6, इन दोनों किसी भी पोजीशन पर अगर COOH ग्रुप ऐड मिलता है प्रोडक्ट में, जबकि रिएक्टेंट हमारा फिनोल हो और कैटलिस्ट बेस हो, तो वो रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन होगी। मैं ट्रिक को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मीन्स कि अगर फिनोल के किसी भी पोजीशन पर एडजेसेंट या तो 2 या 6 पोजीशन पर बेस के साथ ट्रीट करेंगे फिनोल को CO2 की प्रेजेंस में, सो पोजीशन या तो 2nd पोजीशन पर CO2 ऐड होगा या पोजीशन 6th पर ऐड होगा COOH। ये पोजीशन है 2, ये 6। मींस कि पोजीशन 2 और 6 में किसी भी एक साइड COOH ग्रुप अगर ऐड मिलता है फिनोल के बेस के साथ जब हम उसे ट्रीट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट होता है सैलिसाइक्लिक एसिड। आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।